हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स 5 तरीके के होते हैं, IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। IgM इंडिकेट्स एक्यूट इलनेस। IgM हमेशा एक्यूट इलनेस को इंडिकेट करता है और IgG हमेशा क्रॉनिक इलनेस को इंडिकेट करता है। IgE वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। IgD डी फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो डी आई जी डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बारे में, इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, जो IgM है, इट इज लार्जेस्ट इन साइज एंड जो IgG है, इट इज लार्जेस्ट इन नंबर। जितने भी टोटल इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 75% इम्यूनोग्लोबिन्स IgG ही होते हैं। ओके, जब भी इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट एंटीबॉडी जो अपीयर होती है वो होती है IgM। तो द फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्टेड आफ्टर इन्फेक्शन इज IgM। ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में, जो IgG है, इट कैन पास द प्लेसेंटा। तो मदर से बच्चे को मिलने वाली जो इम्यूनिटी होती है उसमें IgG ही मेन पार्ट प्ले करता है। IgA इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस एंड ब्लड। इन तीन चीज़ों में मेनली IgA प्रेजेंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में जो एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन इंडिकेट्स क्रॉनिक इन्फेक्शन, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बारे में हमने पढ़ा कि एक्यूट इलनेस IgM बताता है और क्रॉनिक इलनेस IgG बताता है। विच इम्यूनोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन, IgE। विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कई एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है IgA। विच इम्यूनोग्लोबिन कॉजेज मास्ट सेल्स टू रिलीज हिस्टामिन, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मास्ट सेल जब हिस्टामिन रिलीज करता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन काम करता है, IgE। विच इम्यूनोग्लोबिन इज फर्स्ट डिटेक्टेड आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, ये अभी हमने पढ़ा कि जो पहला एंटीबॉडी या पहला इम्यूनोग्लोबिन डिटेक्ट होता है वो होता है IgM। विच इम्यूनोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन इज IgD। विच इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए, इसके अंदर IgM काम करते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन पास प्लेसेंटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है IgG। विच इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जब भी पैरासाइट अटैक करते हैं तो आमतौर पर एलर्जिक रिस्पॉन्स लेके आते हैं, तो अगेन द आंसर वुड बी IgE। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लॉग ऑन टू www.staffnurseexam.com।